तो चलिए गाइस, फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आदि शंकराचार्य की तप स्थली या समाधि स्थल पे। ये भैया मेरा घर, ये मेरे भाई का घर। बाकी गाइस, अब टाइम आ चुका है बाबा के धाम से विदा लेने का, और विदा लेते देते आपको मैं एक बार दर्शन करा देता हूँ। ये है भीमशिला यहाँ की। चलिए भाई लोग, फिलहाल पेट पूजा वगैरह हो चुकी है और अभी टाइम आ चुका है केदारनाथ से विदा लेने का, और रेतस कुंड पर बम बम भोले या बाबा का नाम लेने पे बुलबुले उड़ते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हर हर महादेव, बम बम भोले। सफर में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ना लैंडस्लाइड की वजह से जो बर्फ आई ना, उसकी वजह से एक केव बनी हुई है यहाँ पे। बाबा के कपाट खुले है, आज है दूसरा दिन, पर यात्रा के इस मार्ग पे ना आपको अभी भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु मिल जाएंगे। सफर में जैसे ही हम लोग ना कुछ दूर आगे बढ़े थे, वैसे ही बारिश स्टार्ट होगी। यहाँ से ना कहने को तो घोड़ों के और इंसानों के अलग अलग रास्ते होते हैं, बट दोनों रास्तों में ना घोड़े वालों ने अपनी पकड़ जमा रखी है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कमल धामी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी से। गाइज, तो यार गाइज, आज है हमारी केदारनाथ यात्रा का चौथा दिन। कल हमने बाबा केदार के ज्योतिर्लिंग स्वरूप के दर्शन कर लिए थे, पर मौसम के कारण कहें या फिर कर्फ्यू या फिर हड़ताल के कारण हम लोग गौरीकुंड तक जा नहीं पाए। तो इसलिए हमने डिसाइड किया यहीं रुकेंगे करके, या फिर इसको यूं कहें कि बाबा की इच्छा थी। तो आज हमने दोबारा से दर्शन कर लिए। कल हमको जिस दर्शन को करने में 6 घंटे लगे थे, आज वही दर्शन हमको हो गए। हम लोग 5 बजे गए और 8:00 या 9:00 कुछ मिनट पे हमको 2-3 घंटे के करीब हमको बाबा के ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन हो गए थे। बाकी आज हम लोग ना यहाँ पे कुछ अनकवर्ड प्लेस को हम कवर करेंगे, जो कि हमने कल परसों विजिट नहीं किए थे। जैसे कि उसमें है रेतस कुंड और आदि कैलाश का ये तपस्थली बोलते हैं, वो चीज़ कवर करेंगे। बाकी यहाँ के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं, डिटेल में जानते हैं। तो चलिए आज का ये खूबसूरत सा वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 8:35 के करीब, और हम लोगों को दर्शन हो गए थे बाबा केदार के ज्योतिर्लिंग स्वरूप में 8:10 के करीब, और हम लाइन पे लगे थे 5 बजे। बाकी यार गाइस, अभी हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि हम लोगों ना मसूरी जल्दी से पहुँचना है। बाकी उससे पहले कुछ अनकवर्ड प्लेस की भी मैं बात कर रहा था, तो उसमें से एक है यहाँ पे मेरे बैक साइड में आदि शंकराचार्य जी की तपस्थली। तो आइए वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। तो चलिए गाइस, फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आदि शंकराचार्य की तप स्थली या समाधि स्थल पे, और केदारनाथ मंदिर को बनाने में या इसको संजोए रखने में ना उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नीचे चल के आपको दिखाते हैं, और ये पूरा सर्कल में बना हुआ है, और आवाज़ यहाँ पे कतई तगड़ी तगड़ी गूंजती है भाई। बाकी गाइस, शंकराचार्य जी ने ना चारों धामों की स्थापना भी की थी, और उनको ना थोड़ा अपने ज्ञान पे अहंकार था, इसलिए एक बार भगवान शिव ने ना चांडाल रूप में शंकराचार्य जी की परीक्षा ली थी। तो गाइस, फिलहाल मैंने आपको आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थली या तप स्थली वो दिखा दी, और यहाँ पे अभी ना बाबा जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप दर्शन के लिए ना इतनी लाइन है, अभी भी लगी पड़ी है, और हम कितने किस्मत वाले हैं, सुबह ही नंबर आ गया 8:10 पे। और ये देखिए यहाँ के कुछ नज़ारे। बाकी गाइज, अब टाइम आ चुका है बाबा के धाम से विदा लेने का, और विदा लेते लेते आपको मैं एक बार दर्शन करा देता हूँ। ये है भीमशिला यहाँ की, जो कि 2013 की आपदा के दौरान मंदिर को सुरक्षित करने के लिए ठीक मंदिर के पीछे तक आई थी, और ये यहाँ का कुछ रस है गाइज। तो चलिए गाइज, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं। बाबा जी से भभूति वगैरह लगा दी, बट उससे पहले तुम्हारा भाई यहाँ पे खड़ा है आपको बाबा केदार के दर्शन कराने के लिए जाते टाइम। तो गाइज, आर यू रेडी? 1, 2, 3। ये चेक करें गाइज, बाबा का नाम।
तो चलिए गाइस फिलहाल बाबा के धाम से लेते हैं विदा और फिर आएंगे यार, बाबा की इच्छा रही तो दोबारा आएंगे। इस बार तो बाबा ने दो बार दर्शन करा दिए और इच्छा नहीं बढ़ती, एक और बार वाला सीन रहता है। तो चलिए गाइस फिलहाल रूम पे चलते हैं और बैग रेडी है हमारा, बैग लेके आते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत भूख लग गई यार सुबह से। तो चलिए भाई लोग फिलहाल पेट पूजा वगैरह हो चुकी है और अभी टाइम आ चुका है केदारनाथ से विदा लेने का और दोनों भाई निकल चुके हैं अपना लगेज वगैरह पैक करके गौरीकुंड की तरफ को। बाकी देखते हैं रूम वगैरह कहाँ पे लेते हैं हम लोग। तो भाई लोग बाबा के धाम से वापस आते टाइम जैसे आप ब्रिज क्रॉस करते हैं उसके फ्रंट सामने ना आपको ये मिलेगा रेतस कुंड, और यहाँ पे लिखा है रेतस कुंड पर बम बम भोले या बाबा का नाम लेने पे बुलबुले उड़ते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, ट्राई करते हैं। हरार महादेव, बम बम भोले, हरार महादेव। सफर में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ना लैंडस्लाइड की वजह से जो बर्फ़ आई ना उसकी वजह से एक केव बनी हुई है यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पे ना पूरा कचरा भरा हुआ है, पानी और बड़े खच्चर इसी में आते हैं, तो पूरा मलबा इकट्ठा हो रखा है। और गाइस बाबा का धाम ना हमसे पता नहीं कितने मीलों दूर छूट गया, झूम भी नहीं हो पा रहा अब तो। बाबा के कपाट खुले, आज है दूसरा दिन, पर यात्रा के इस मार्ग पर ना आपको अभी भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु मिल जाएंगे जो कि बाबा के दर्शन करने के लिए धाम में आ रहे हैं। और ये भीड़ ना अभी से अब 6 महीने तक लगातार ऐसे ही बनी रहेगी, हालांकि मॉनसून का थोड़ा सा असर पड़ेगा इस यात्रा पर। सफर में जैसे ही हम लोग ना कुछ दूर आगे बढ़े थे वैसे ही बारिश स्टार्ट होगी, इसलिए कहते हैं यार केदारनाथ के मौसम का ना कुछ भरोसा नहीं, सारी जरूरत की चीज अपने पास हमेशा रखा करो। अभी हम लोग हैं फिलहाल रामबाड़ा से भीमबली जाने वाले मार्ग पर। यहाँ से ना कहने को तो घोड़ों के और इंसानों के अलग अलग रास्ते होते हैं, बट दोनों रास्तों में ना घोड़े वालों ने अपनी पकड़ जमा रखी है, जिससे ना यात्रियों को आने जाने में काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम यात्रा वाले रूट पे हैं और हम पिछले 3.5-4 घंटे से पैदल ट्रैक कर रहे हैं, जो कि हमने अभी तक डिस्टेंस तय किया है 18 से 20 किलोमीटर के आसपास। अभी भी गौरीकुंड लगभग 4 किलोमीटर के आसपास रह चुका है। पर इस सफर में सोचने वाली बात यह है कि अभी तक ना श्रद्धालु की संख्या में कोई भी कमी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि श्रद्धालु लोग ना बाबा के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की शिवलिंग को देखने के लिए ना श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ लगे पड़े हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं सोनप्रयाग में और आज हमारी यात्रा का है 5वां दिन। अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं बाबा के ज्योतिर्लिंग स्वरूप के 2 बार दर्शन करने के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर, और हमारी बस अभी है सीतापुर बस स्टैंड से, जिसका नंबर है 0892। और आज मैं यात्रा के दौरान काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई, इधर पूरे लाइन से श्रद्धालु जा रहे हैं पुल पार, वहाँ सेरेबल टैक्सी गौरीकुंड तक के लिए। जब से यात्रा खुली है ऐसा जाम देखना तो हर जगह आम सी बात हो गई है, पूरे रास्ते भर में आपको ऐसे ही घोड़े खच्चर गाड़ियों का जाम देखने को मिलेगा। और गाइस अभी फिलहाल हमारी ना बस छूट चुकी है जो कि सीतापुर से होने वाली थी, बट हम लोग थोड़ा सा लेट हुए, 15-20 मिनट लेट, तो वो निकल चुकी है आगे। अब हम पीछा कर रहे हैं जाम में, यही उम्मीद कर रहे हैं कि मिल जाए। तो चलिए गाइस फिलहाल बस मिल चुकी है और निकलते हैं इस खूबसूरत से सफर पे। We'll be right back.
तो गाइज अभी टाइम हो रहा है रात का करीब 11:46 के आसपास, और ये सफ़र जहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ था ना मसूरी से, वहीं पे जाके ख़त्म होता है केदारनाथ यात्रा का। बाकी सफ़र में ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। पहला मेरा सफ़र था ये ट्रैक का, ट्रैवल का। वहाँ जाके मुझे ना एक पॉजिटिव एनर्जी मिली, पॉजिटिव वाइब और सुकून की प्राप्ति हुई। जो भी चीज़ें हमने सीखने को मिली ना, उस चीज़ को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे।